बेटे हुए सत्ताधारी यहाँ के कितने साल से 14 साल से काम कर रहे हैं, 14 साल में एक स्कूल की हालत इस तरीके से कर दी है। तो हमारा आपका काम तो एक महीने से शुरू हुआ है, तो आँख नाक कान बंद करके जो बैठे हैं उससे बेहतर तो हम ही हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, और जरूरत पड़ी तो यहाँ बैठना, रस्ते पे बैठना, थाने पे बैठना, मुंबई में बैठना, कहाँ भी बैठना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, उर्दू जबान के लिए, या बच्चे उर्दू सीख रहे उनके लिए, इंशाल्लाह बिल्कुल करूँगा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएवली स्थित टीएमसी का जो उर्दू स्कूल है, 13 नंबर का स्कूल यहां पर मौजूद है। दरअसल आज मनपा अधिकारी बालू पीचर, जो मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त है, वो यहां पर रिदा रशीद के साथ में विजिट किए थे। दरअसल दो हफ्ते से लगातार इस स्कूल के खबरें दिखाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक स्कूल का काम जो है शुरुआत नहीं की गई है। और इसी को लेकर रिदा रशीद आज यहाँ पर मनपा अधिकारी को लेकर विजिट की थी। दरअसल दरवाजे जिस तरह से हैं, और एक चीज़ और सामने आई कि जो आप स्कूल के पीछे साइड देख रहे हैं, उधर जो है दीवार थी, बाउंड्री दीवार थी, सुरक्षा दीवार थी, और वो दीवार भी काफ़ी दिन पहले जो है गिर गया है, लेकिन उसे भी जो है बनाया नहीं जा रहा है। वहीं उसी रास्ते से ज़्यादातर जो नशा वगैरह करने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर वहीं से आते हैं। आप यहाँ पर आई थी रिदा मैडम, मनपा के अधिकारी को यहाँ पर विजिट कराई कि दो हफ्ते से लगातार खबरें चल रही हैं। आपने भी स्कूल शिक्षा मंत्री को लेटर दिया, सैयद अली भाई साहब ने भी लेटर दिया, एक जुनेद अंसारी साहब हैं उन्होंने भी लेटर दिया है इस स्कूल को लेकर, लेकिन अभी तक जो है इस स्कूल का काम शुरुआत नहीं किया गया। आपको इसी जानकारी लगी, फिर मनपा के अधिकारी के साथ यहाँ पर आए थे, उन्होंने उनका भी आश्वासन ऐसा है कि काम जो है शुरू किया जाएगा। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसे कि आप लोग ने देख रहे हो, 2 से 3 हफ्ते से मैं फॉलो कर रही हूँ आपका ही न्यूज़ स्टार्टिंग में देख के मैं यहाँ आई थी। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक पत्र व्यवहार भी किया हुआ है। अभी मैं यहाँ बीच में भी 4 दिन पहले भी आई थी, तो बोलते थे ना एक बार आके जाने से नहीं होता है, थोड़ा उसको प्रोसीजर फॉलो भी करना पड़ता है। तो मैं गए हफ्ते भी आई थी, आज भी आई हूँ। तो लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा है कि जल्द से जल्द टीचर्स देने का प्रॉमिस हुआ है, 2-4 दिन में इनको टीचर दिया जाएगा। और कुछ संस्था भी आई है जो सेवा करने को तैयार है, यहाँ आके काम करने को तैयार है, ऐसा मुझे बोला गया। और यहाँ पर आपने देखा, जो आपने लास्ट टाइम देखा होगा, तो पूरा कीचड़ पड़ा था, पानी भरा था, और वहाँ पर जो कचरा भी पूरा था। तो JCP से कुछ काम तो हुए हैं और कुछ काम की शुरुआत हो रही है। तो मैंने कहा आज भी मैं जाके देख लेती हूँ, क्योंकि हम जब तक देखेंगे नहीं कुछ काम जो हमने हाथ में लिया है, और कुछ तरह हम तब तक जाके देखते नहीं जब तक वो होता नहीं है। तो मैंने पूरा फॉलोअप रखा है और ध्यान रखा है, और उसी तरीके से आज आई तो आज आके पता चला कि टीचर्स की बातें हो चुकी है, कुछ काम हो रहा है। अगर मैंने ये भी कहा है, अगर ये चिकल और ये घास कल नहीं निकाला गया तो मैं इसी घास में बैठूंगी, और बैठने के साथ साथ मैं ये घास को साफ भी करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, डेंगू का मलेरिया का बारिश में साथ बढ़ जाता है, और एक एक क्लास में 40-40 बच्चे बैठते हैं, तो सोचिए एक मच्छर कितने बच्चों को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए ये मैंने साफ लफ्ज़ों में बोला है डिपार्टमेंट से, अभी ये साहब आए थे उनको भी कहा है कि परसों मैं यहाँ बैठूंगी, मतलब बैठूंगी अगर कल मुझे घास साफ़ नहीं मिला तो। उन्होंने कहा नहीं कि जितना हो सके हम लोग, पहला इन्होंने कहा था हम लोग प्लास्टिक डाल के देते हैं, लेकिन अभी वो लोग कह रहे कि हम लोग ने सोचा है कि इसको पत्रा में ही चेंज करना है पत्रा। तो बहुत सारी काम उन्होंने बताया कि चालू है, कुछ विषय है निधि का भी, कुछ इनका प्रॉब्लम्स है या, लेकिन ठीक है मेरे को वो सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला है तत्काल, मतलब तत्काल में बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के इधर गंदगी है उसको साफ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह देखो 2-3 दिन में और यहाँ पर फ़र्क आएगा, और इंशाल्लाह। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, सब अभी भी वैसे ही है, बोला है बहुत खतरनाक। मैंने बताया, उन्होंने कहा है कल का कल मैं करवाता हूँ मैडम, उसका भी सब लोग ने आके देखे गया कॉन्ट्रेक्टर, कल से उसका काम करवा के लेंगे करके बोला उसने मुझे। अगर स्कूल का काम नहीं होता है, जिस तरह से अभी लचर व्यवस्था दिखाई दे रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है अभी तक कि टीचरों की भी भर्ती हो जाएगी, नहीं होता है तो क्या स्टैंड रहेगा आपका? देखिए हम और आप मिलके कुछ हफ्तों से काम कर रहे हैं, बराबर 4 हफ्ता पकड़ लेते हैं, 1 महीना से काम कर रहे हैं यहाँ से बैठे हुए सत्ताधारी यहाँ के कितने साल से 14 साल से काम कर रहे हैं, बराबर ना। तो उनको जब इतना उन्होंने धीरज रखा है 14 साल में एक स्कूल की हालत इस तरीके से कर दी है, तो हमारा आपका काम तो 1 महीने से शुरू हुआ है। तो हमें, हम तो धीरज नहीं रखे,
मैं तो बहुत तत्काल की बात कर रही हूँ, तो 14 साल वाले लोग जो आँख नाक कान बंद करके जो बैठे हैं, उससे बेहतर तो हम ही हैं जो हम अभी ये 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में मेरा ये 14 आना है, यहाँ वहाँ जाके मिलना है, सबके आँखें खोलना है, तो उससे अच्छे अपुन है तो हमको थोड़ा सा धीरज रख के फॉलो करना पड़ेगा और हमें आके यहाँ देखना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, हमें आके देखना पड़ेगा और उस तरीके से काम अच्छे से होगा, हम देखेंगे तो। और मेरे को एक बात सच्ची बहुत बहुत धन्यवाद करना है हमारे लोगों को, कुछ संस्थाओं को जो इस तरीके से काम जो देखते हैं और उनको इग्नोर नहीं करते और इस तरीके से काम के, जो मुझे सुन के आज बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग जागरूक है, खाली बताने की देरी है, और शहर में बहुत लोग जागरूक है और ये सब काम अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। इसी तरीके से जागरूक रहिए और ऐसा कोई भी मैसेज देखे तो इग्नोर मत करिए, उसको आगे बढ़ के, जैसे मैंने अभी प्रिंसिपल साहब से सुना तो मुझे अच्छा लगा, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इंशाल्लाह हमें काम कराएंगे, कराने तक के हम चुप नहीं बैठेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ बैठना, रस्ते पे बैठना, थाने पे बैठना, मुंबई में बैठना, कहाँ भी बैठना पड़ेगा, बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेरे उर्दू ज़बान के लिए, या बच्चे उर्दू सीख रहे उनके लिए, इंशाल्लाह बिल्कुल करूँगी। मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त जो है बालू पीचड़, वो इस स्कूल का विजिट किए थे और पूरे स्कूल का निरीक्षण किए कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं, और उसके बाद जो है हमने भी उनसे बातचीत की है, और इस बातचीत के दौरान उन्होंने भी काम को लेकर कहा है कि कोशिश यही रहेगी कि इस स्कूल का काम जल्द ही पूरा किया जाए। क्या कहा है उन्होंने आपको सुनाते हैं। आप मनपा स्कूल में आए थे अभी जायज़ा लेने के लिए, मैडम के साथ बातचीत किए, क्या जानकारी देगी आप इसके बारे में? सार्वजनिक बांधकाम विभाग अभी तो जो जूनियर इंजीनियर खड़े थे उनको आदेश दिया हुआ है, जो ये अभी मिट्टी और ये जेसीबी लगाया हुआ था, लेकिन जो अभी घास दिख रहा है वो कल से निकालने का काम चालू कर रहे हैं, और जो पत्रा अभी ये साइड में दिख रहा है अपने को बैठी का, हाँ, तो उसमें वो पत्रा चेंज करने का काम वो जल्दी से जल्दी शुरू करने, तब तक वो प्लास्टिक डालने वाले। इसके अलावा दरवाजे टूटे हुए हैं, बेंचेस कई टूटे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं सही है, बल्ब नहीं है स्कूल में, आज करीब 2 हफ्ते से खबरें चल रही है, लेकिन इसके बावजूद मनपा प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मुमरा शहर से कई लोगों ने लेटर भी दे चुका है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है काम? अभी सार्वजनिक बांधकाम खाते में जो है अपने गायकवाड़ साहब है वो भी यहाँ पे आके गए, पहला ये काम शिक्षण विभाग करता था, 15-20 दिन पहले से अपने को ऑर्डर आया है, यहाँ पे फंड दिया गया है, तभी यहाँ से प्रबल समिति से काम चालू कर रहा है। तो फिलहाल जो डेंजर स्थिति है, जैसे दरवाज़ा है, हाँ, और इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है, हाँ, वो काफ़ी खतरा है फिलहाल के लिए, उसका तो काम होना चाहिए। हाँ, अभी जो है अर्जेंसी में जो है, समझो इलेक्ट्रिक का काम है और जो लीकेज है उसके लिए हम ये काटपत्री डलवा देंगे, और इलेक्ट्रिक का काम है इलेक्ट्रिक वर्क को बोल के वो स्विचेस ये वो सब बंद कर देंगे। और लगभग बाकी जो काम रहेगा वो कितने दिन में कम्प्लीट होगा? बाकी काम है अभी वो फंड के हिसाब से वो सार्वजनिक बांधकाम विभाग है वो देख लेंगे, जल्दी से जल्दी अपन काम पूरा करने की कोशिश करेंगे।